खबर जनपद चमोली से है, जहां विकास खंड पोखरी के गोपेश्वर मोटर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 70 के दशक में पूर्व पर्वतीय राज्य मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भंडारी ने इस मोटर मार्ग का निर्माण करवाया था, लेकिन आज 54 साल बीत जाने के बाद भी इस मोटर मार्ग की स्थिति नहीं सुधर पाई, जबकि क्षेत्र से कई राजनेताओं का राजनीतिक जन्म हुआ। इसी कड़ी में नावी गदेवे में भी कई वर्षों से सड़क की स्थिति बेहद खराब है। बरसात के दिनों में कई छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बह जाते हैं और कई दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में यदि संबंधित विभाग और शासन प्रशासन ने इस मोटर मार्ग का संज्ञान नहीं लिया तो कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। चमोली से नीरज कंडावी की रिपोर्ट। नारी का जरा जो है यहाँ पर 30 गांव के अंतर्गत पड़ता है, डूंगर और बंतर की बाउंड्री पे, और विद्यार्थी यहाँ पर बरसात में अधिक बरसात होने पर बहने का खतरा होता है। यहाँ पर पुल नहीं है, कॉज बना हुआ है, उसमें फिसलने का गाड़ी मोटर सब लोग परेशान हैं, और इस पुल को जो है यहाँ पर पुल बनवाया जाए बहुत जल्दी जल्दी। सड़क के मामले तो बहुत सारे विभिन्नता है सड़कों पर। एक तो मेन बात यह है, ये गोपी शर्मा जो है धन सिंह भंडारी जी के ज़माने में बना था, और उनके कार्यकाल से लेकर अब तक इस सड़क की यथावत स्थिति बनी रहती है। कहीं पे गड्ढों का कोई भरा नहीं होता है और दुर्घटनाओं के कई चांसेस बढ़ जाते हैं, और कई बार दुर्घटनाएं हुई। एक बार हापला में जो पोखरी का मेला लग रहा था तो हापला में एक गाड़ी गिर गई, क्योंकि गड्ढे काफ़ी थे वहाँ पर, नई लॉली से एक पूरी गाड़ी आ रही थी तो वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये मामले जो हैं सरकार तक भी जाने चाहिए कि इस गड्ढों के मामले से लेकर सड़क से मामले से लेकर के जो है इस पर यथावत काम किया जाए। आप ये चमोली से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर ये बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बता दें कि 54 साल का समय बीत चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि चमोली में इस समय सड़क की स्थिति किस तरीके से है। लगातार ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर तत्काल प्रशासन या कोई भी विभाग इस पर एक्शन नहीं लेता है तो कई बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। सड़क पर ये जो बड़े गड्ढे बने हैं ये हादसों को न्योता भी दे रहे हैं, और लगातार कई हादसे भी इस सड़क पर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सड़क का निर्माण कई साल पहले हुआ था, जिसके बाद अब यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से बड़े हादसे होने की भी खबर सामने आती रहती है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आवाजाही में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये आप चमोली से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये बड़े गड्ढे हैं, और खराब मौसम की स्थिति में ये ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन गड्ढों की वजह से बड़े बड़े हादसे भी हो सकते हैं, और लोगों को आने जाने में वाहन की आवाजाही में भी काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। जिस तरीके से लगातार जो मॉनसून है वो एक्टिव मोड में है और बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में रोड की इस तरीके की जो स्थिति है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रही है, और माना जा सकता है कि जो लोग इस सफर करते हैं सड़क के मार्ग से होते हुए गुजरते हैं वो हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। और इसी को लेकर अब ग्रामीणों की ओर से भी कहा जा रहा है कि शिकायत की जाएगी, और अगर प्रशासन या विभाग इसको लेकर कोई सतर्क कदम नहीं उठाता है तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अहम कदम लोगों की ओर से उठाया जा सकता है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चमोली से संवाददाता नीरज कंडावी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखा जा सकता है कि बड़े बड़े गड्ढे वहां पर हैं और हादसे होने की भी शिकायत लगातार देखी जाती है, तो क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या एक्शन लिया जा चुका है? जी आकांक्षा, देखिए जिस तरह से मैं पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग की बात करूं तो ये जहां इस तरह हमारी सरकारें सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की बात करते हैं, तो वही जो जमीनी हकीकत है वो इस समय जो विजुअल इस समय चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। मामला चमोली जिले के पोखरी विकास खंड के पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग का है। आकांक्षा, देखिए इससे बड़ी भारी बात तो यह है, जब 70 के दशक में इस मोटर मार्ग का निर्माण हुआ था, लेकिन आज 54 साल बीत गए हैं, और जिस हालत में इस सड़क का निर्माण हुआ था उसी हालत में आज तक ये जो पूरा मोटर मार्ग है इसमें ऐसे ही यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, जबकि यहाँ से लगातार उत्तराखंड राज्य गठन के बाद चमोली जिले का जो पोखरी विकास खंड है यहाँ से, चाहे भाजपा की बात करें तो यहाँ से 2-3 बार इसी क्षेत्र से यहाँ से विधायक रहे हैं, और वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर यहाँ पे काबिज है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो 2002 से लगातार इसी क्षेत्र से यहाँ पे विधायक रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर यहीं से रहे, लेकिन
जिस तौर से यहाँ पे राजनीतिक लोगों का यहाँ पर राजनीतिक जन्म हुआ है, तो उस हिसाब से देखे तो जो पिछड़ा क्षेत्र आज हम जो 1970 के दशक में पोखरी विकास के नाम पे आगे था, तो कहीं ना कहीं जो 54 सालों के बाद भी आज पोखरी जो ब्लॉक है वो बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र के हिसाब से जो सड़कों की तस्वीर समय आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे में लगातार जो नारी गदेरा वाला एरिया है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटनाओं को यहाँ पे न्योता दिया जाने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। कई बार कई बड़े हादसे यहाँ पे हुए, लेकिन उसके बाद भी जो शासन प्रशासन है और जो संबंधित विभाग है उसकी घोर लापरवाही यहाँ पे देखी जा सकती है। ये आकांक्षा वही नीवेश, अगर बात करें तो ये आज की बात नहीं है, कई वर्षों से सड़क की स्थिति है वो काफी खराब नजर आ रही है और बरसात का मौसम है, इसमें लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अगर संबंधित विभाग या शासन प्रशासन कोई अहम कदम नहीं उठाता है, इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है, तो क्या कुछ अहम कदम लोगों की ओर से उठाए जा सकते हैं? जी आकांक्षा बिल्कुल, देखिए जिस मोटर मार्ग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो लगातार इससे पहले भी चाहे हमारे जनप्रतिनिधि रहे हों, स्थानीय लोगों ने उनको यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, चाहे सरकार जनता के द्वार को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम हो, चाहे डीएम चमोली के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किए गए हों, एसडीएम पोखरी के द्वारा यहाँ पे लगातार कार्यक्रम यहाँ पे किए गए हैं, सुदूरवर्ती गाँव में यहाँ पे कार्यक्रम किए गए, लेकिन जिस तरह से लगातार शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो इनका आना जाना इसी ही मार्ग पे यहाँ पे बना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आज भी बदतर हालात यहाँ पे पैदा हो रखे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय जो जनता है एक बड़ा आंदोलन भी इस मोटर मार्ग को लेकर यहाँ पे किया जा सकता है। जी आकांक्षा ठीक है, नीवेज कंडावी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि करीब 54 साल का ये समय बीत चुका है और लेकिन जो रोड की स्थिति है वो वैसी की तैसी ही बनी हुई है और सड़क पर ये बड़े बड़े गड्ढे हैं जो हादसों को लगातार न्योता देते हुए भी नजर आ रहे हैं।